3-digit multiplication by 111. Question is 213 multiplied 111. What's the answer about this question? Multiplying a multi-digit, more than two number by 111. If the number you are multiplied by 111 in a 3-digit number, say A, B, C, then the answer will have 5-digit. Through it may be the 6 if there is carry involved. ठीक है? First, the digit is A, मतलब A. ठीक है? The second digit A plus B. Third digit A plus B plus C. And the fourth digit B plus C. And last one is fifth digit is C. तो पहले ही बोल चुके हैं कि 5 digit में इसका आंसर आ सकता है. तो ध्यान रहे कि इसको कैलकुलेशंस करना है पहले स्टेप में ए लेना है हम, तो ए और सी को सेपरेट कर दो, फिर बीच की जो वैल्यूज में ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी, जो 3 digit का जो कैलकुलेशंस होगा इस तरह से उसकी वैल्यू आएगी. अगेन यू मस्ट रिमेंबर टू कैरी इफ एनी ऑफ दिस सम इज मोर देन 1 digit बिकॉज ऑफ द कैरी इट मे बी ईजियर टू डू द सम एंड राइट द आंसर डाउन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है बाय मल्टीप्लिकेशन 111 से. 752 मल्टीप्लाई 111 का आंसर क्या होगा? 83472. सेम क्वेश्चन फॉर कैरी का, 938 मल्टीप्लाई 111. ठीक है, अब इसमें वापस वही करना है आपको, जो ये रूल्स दिए हैं यही सेम रूल अप्लाई करना है फिर राइट टू लेफ्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मिल रही है? वैल्यू 8 मिल रही है, तो 8 को आप यहाँ लिख दीजिए. 8 आपको मिल रहा है बी प्लस सी, मतलब 3 प्लस 8. इन दोनों वैल्यू का अगर सम करूँगा तो क्या आएगा? मतलब 3 प्लस 8 इक्वल टू 11. इसका मतलब है कैरी इक्वल टू 1. सो इस केस में क्या होगा? 1, कैरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. ठीक है, तो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू बची है वो जो 1 है वो क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी. और इसको तो ऐसे कैसे आपको लेना है? अब देन क्या दिया? ए, ये तीनों वैल्यू तीनों का सम 9 प्लस 3 प्लस 8. तो 9 प्लस 3 कितना होता है? 12. 12 प्लस 8 कितना होता है? 20. कितना होगा? 20 होगा. ठीक है, तो ये जो 20 हो गया, ठीक, पर इसमें कौन सी वैल्यू कैरी है कौन सी नहीं है वो क्लियर करना हमको. तो 0 इज नॉट कैरी, बट कैरी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 2. क्लियर है? नेक्स्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 9 प्लस 3 मतलब कितना होगा? 12. 12 में 1 क्या है? कैरी है. ठीक, और 2 को आपको ऐसे के ऐसे ही लेना है. 2, कैरी इक्वल टू 1. ठीक है, एंड लास्ट वैल्यूज ए मतलब 9. ठीक है, ओके, मतलब हमको सभी वैल्यू मिल गई है. अब कुछ नहीं करना, राइट टू लेफ्ट हमको वैल्यू लिखना चालू करना है. सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? 8. ठीक है, अब क्या लिखना है? एक वैल्यू कैरी की और एक वैल्यू बिना कैरी की. जो बिना कैरी वाली वैल्यू है उसको क्या कर देंगे? हम 1 को यहाँ लिख देंगे. ठीक है, अब ये जो जो कैरी वाली वैल्यू वो नेक्स्ट पे जा कैरी होगी ना, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0. और 0 पे आपको क्या, यहाँ 1 रख दिया हमने, तो ये क्या हो गया? कैरी हो गया, इसको इसमें ऐड होगा. ठीक, 0 के बाद क्या आएगा? अब ये यहाँ भी कैरी 2 है, तो 2 के ऊपर कितना कैरी आएगा? 2 आ गया. ठीक, नेक्स्ट वाली रखा मैंने 9, पर इसका भी एक कैरी आ रहा है, तो रख दिया 1. ठीक है, अगेन इन सब की वैल्यू लिखनी है हमको. 8, 1, 1 प्लस 0 कितना होता है? 1. 2 प्लस 2 कितना होगा? 4. 9 प्लस 1 कितना होगा? 10. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन एंड इट इज द कैरी फॉर्मेट. ओके,